Assalamu alaikum dear students. I hope you are fit and fine. Our today's topic is rebellion in the forest. This is the topic take, taken from the chapter forest society and the colonialism. In our previous lecture we have discussed about the establishment of British rule and the impact of British laws and British policies on the lives of tribal people. सो so, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से ब्रिटिश लॉज की वजह से हिंदुस्तान के फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया तीन कैटेगरीज़ में और इन तीन कैटेगरीज में सिर्फ विलेज फॉरेस्ट थे जो सबके लिए ओपन थे रेस्ट जो रिज़र्वड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी तो इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी अपनी इन फॉरेस्ट से दूर भाग गए कुछ लोगों ने जो कल्टीवेशन का सिस्टम है वो कंटिन्यू किया कुछ लोग माइन्स में चले गए कुछ लोग प्लांटेशंस में चले गए तो ये सारा हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की आने से ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से इन ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइफ लाइवलीहुड अफेक्ट हुआ तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में करीबन करीबन हंड्रेड रिवोल्ट्स की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उससे पता चलता है न एटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स और नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सेवन के बीच में करीबन करीबन एक सौ रिवोल्ट हुए और मोस्टली ये रिवोल्ट किए थे इन्हीं ट्राइवल्स ने जो डिफरेंट फॉरेस्ट रीजनज़ में रहते थे तो एट्थ स्टैंडर्ड में आपने सुना होगा बिरसा मुंडा

एंड कानो इन द संथाल परगना आलूरी सीता राजू ऑफ आंध्र प्रदेश इन लीडर्स को ये सारे ट्राइबल लीडर्स थे इन लीडर्स को आज भी याद किया जाता है कि किस तरह से अपने टाइम पे नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरीज़ में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई रेजिस्टेंस की और कभी कभी रिवोल्ट भी किया तो ऐसा ही एक रिवोल्ट हमारे पास है That is the revolt of Bastar in 1910 sabse pehle टेन ki koshish पहले ye की कोशिश करेंगे ये बस्तार है क्या जो बस्तार है ये साउदर्न मोस्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ का और इसका बॉर्डर बार, है आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा के साथ और महाराष्ट्र के साथ तो यहाँ पे एक रिवर भी है काफ़ी मशहूर रिवर जिसका नाम है इंद्रावती ये इस रिवर की वजह से भी इम्पोर्टेंट है इस बस्तार के एक साइड से छत्तीसगढ़ प्लान है और दूसरी साइड से गोदावरी प्लान तो ये दो प्लान्स हैं जिनके बीच में ये बस्तार है यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं आज भी यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं जैसे मारिया एंड मोरिया गोंड्स जैसे दुर दुरवाज़ जैसे बतराज़ एंड हलबाज़ ये सारी ट्राइब्स इसी बेल्ट में इसी एरिया में रहती हैं और इनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट कस्टम्स हैं और डिफरेंट ट्रेडिशनस भी हैं लेकिन इनमें एक ही खास बात है जो कॉमन है सब में ये नेचुरल रिसोर्स को गिफ्ट समझते हैं मदर अर्थ की तरफ से यानी ये मानते हैं जो ये नेचुरल रिसोर्स हैं जो ये लैंड है जो ये फॉरेस्ट है जो ये रिवर बॉडीज़ हैं जो ये ट्रीज़ uh, हैं जो ये एनिमल्स हैं ये, है, ये एक गिफ्ट है जो उन्हें मिला है मदर अर्थ की तरफ से इसीलिए ये इस मदर अर्थ को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं यूज़ भी करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं और कभी कभार तो फेस्टिवल्स पे ये इस मदर अर्थ को कुछ चीज़ ऑफ़र भी करते हैं आई मीन से जिसको हम कहते हैं चढ़ाना जैसे भगवान के सामने कुछ चढ़ाते हैं जैसे कुर्बानी देते हैं तो ये इस तरह की चीज़ें खाने पीने की चीज़ें जो इनके पास होती हैं वो इस मदर अर्थ को देते हैं न सिर्फ़ अर्थ को बल्कि ये पूजा करते हैं रिवर्स की भी फॉरेस्ट्स की भी माउंटेंस की भी तो अब चूँकि ये इन्हीं एरियाज़ में रहते हैं हर एक ट्राइबल कम्युनिटी के अपने अपने विलेज हैं और हर विलेज की एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री में फ़ॉरेस्ट एरिया भी है उस बाउंड्री में रिवर्स रिवर्स भी है उस बाउंड्री में एग्रीकल्चरल लैंड्स भी हैं तो हर एक विलेज की अपनी बाउंड्री है तो कभी कभार अगर ये दूसरे कम्युनिटी के बाउंड्री में चले जाएं पेड़ पौधों के लिए या फॉरेस्ट में चले जाए लैंड में, में चले जाए तो उसके लिए ये छोटा सा वो फ़ी या हम कहेंगे छोटा सा फ़ी देते हैं और उस फ़ी के कई नाम होते हैं जैसे दंद उसको बोलते हैं मन उसको बोलते हैं उसको देवसरी भी बोलते हैं तो ये बस्तार रीजन में इस तरह की टैक्सेस वो पे करते हैं जब वो किसी दूसरी दूसरे कम्युनिटी के बाउंड्री में चले जाएं, दूसरे विलेज की बाउंड्री में चले जाएं। तो हर एक विलेज का एक हेडमैन है और वो उस हेडमैन का काम है कि वो डिस्कस करता है अपनी इस विलेज अपनी अपनी इस कम्युनिटी के बारे में जो प्रॉब्लम्स होती हैं और इन प्रॉब्लम्स में अक्सर डिस्कस किया जाता है फॉरेस्ट के बारे में भी कि फ़ॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व किया जाए इनको कैसे ग्रो करेंगे इनकी आ, इनको हम आ, किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज होती हैं आपके सामने एक मैप है इस मैप में आप देख सकते हैं इन 1947, बस्तर किंगडम वाज मर्जड विथ कानकर किंगडम एंड बिकेम बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश का एक पार्ट बन गया 1947 में 1998 एट में इट वाज एडिड, इट वाज डिवाइडेड, अगेन इनटू थ्री डिस्ट्रिक्स दैट इज़ कंकर बस्तर एंड दंतेवादा तो तीन डिस्ट्रिक्स में डिवाइड हो गया 2001 वन में और चेंज आई दीज डिस्ट्रिक्स बिकेम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ 1910 हंड्रेड टेन में जो रिवेलन फर्स्ट स्टार्ट हो गया था कंकर फॉरेस्ट एरिया में वो फिर फैलते फैलते पूरे इस स्टेट में ही फैल गया जो कि आज है तो यहाँ पर आपको मैप नज़र आएगा और साथ ही में आपको एक आर्मी कैंप नज़र आएगा बस्तर में जो नाइनटीन हंड्रेड टेन में था आर्मी कैंप ब्रिटिश आर्मी कैंप तो ये भी आप गौर से देख लीजिए तो अब देखते हैं फ़ियर्स ऑफ विलेजेस या फियर्स ऑफ द पीपल तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1865 में जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया उसको दो बार अमेंड भी किया गया 1878 में फिर 1927 में तो 1905 में लगभग टू थर्ड्स जो फॉरेस्ट एरिया था उसको रिज़र्व किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए मतलब जो टोटल एरिया था फॉरेस्ट एरिया उसका टू बाई थर्ड पार्ट वो सिर्फ़ ब्रिटिशर्स के लिए रिज़र्व था अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे बस्तार के वो वहाँ से चले गए कुछ लोगों ने क्या किया कुछ लोगों को वहाँ पे रहने दिया गया लेकिन कंडीशन एक थी कि उन्हें फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मुफ्त में काम करना होगा तो क्या काम करेंगे वो जैसे ट्रीज़ को ट्रांसपोर्ट करना जैसे फॉरेस्ट को आग से बचाना इसकी गारंटी देना तो कुल मिलाकर यह बात कह सकती हैं कि बस्तार में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एलोक किया गया कि वो वहाँ पे रह सकते हैं लेकिन उसके बदले में उन्हें मुफ्त में काम करना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कभी भी उनको बुलाया जा सकता था वो तो उन्हें जाना था तो जब मुफ्त में काम किया जाता था उस टाइम पे दैट वाज कॉल्ड एज बेगार बी ई जी ए आर बेगार बेगार मीनज अनपेड लेबर और फोर्सड लेबर अनपेड इट मीनस नथिंग वाज पेड टू देम। तो जिन लोगों ने ये कंडीशन एक्सेप्ट की वो इस बस्तर रिजन में रहने लगे थे 1910, 1905 में या उसके बाद तो जिन लोगों ने कोई कम्प्रोमाइज़ इसमें नहीं किया वो भाग गए अपने एरियाज़ में और इस तरह से वंडरर्स बन गए यानि वो किसी एक जगह पर फिर रुके नहीं तो जो लोग यहाँ से या जो लोग यहाँ पे रहने लगे जो लोग यहाँ पे रहने लगे जिनने कंडीशंस मान ली तो उनको नाम दिया गया फ़ॉरेस्ट विलेजेस इसका मतलब द वलेज विच वर लिविंग इन और अराउंड द एरिया ऑफ फॉरेस्ट कुछ लोगों को जो कि मैंने पहले ही कहा, जिन्होंने कंडीशंस नहीं मानी उनको वहाँ से छोड़ना पड़ा सब कुछ वो भाग गए वो दूर चले गए तो कभी मज़दूरी करते रहे कभी कुछ और करते रहे तो ये बस्ता रिजन में ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ हुआ आफ्टर नाइनटीन हंड्रेड एंड लेकिन इससे भी ख़तरनाक चीज़ अब आने वाली थी और दैट वाज फैमीन जिसको हम कहते हैं कहत यानी शॉर्टेज ऑफ फूड या हम कहेंगे व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई ड्यू टू द स्टारवेशन दैट्स कॉल्ड फैमीन तो एटीन नाइन में या एटीन 1899 एटीन नाइनटी नाइन से लेकर नाइनटीन हंड्रेड के बीच में एक फैमीन आया इसी तरह से 1907 और नाइनटीन के बीच में एक फेमीन आया तो ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई ये बहुत सारे लोग मर गए खाने पीने की वजह से क्योंकि ये उन एरियाज़ में नहीं रहते थे अब जहाँ पे पहले रहते थे और जो वहाँ पे रहते थे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था उनको कभी ज़बरदस्ती ले जाया था काम करने के लिए सो दिस द कंडीशन ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन दस्तार रीजन सो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह से बस्ता रीजन में जो कि छत्तीसगढ़ का एक पार्ट है वहाँ पे जो विलेज कम्युनिटीज़ थी उनको कैसे मजबूर किया गया छोड़ने के लिए और कुछ लोग जिन्होंने कंडीशन मानी कि वो मुफ्त में काम करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लकड़ी काटेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे लकड़ी को या फिर फॉरेस्ट एरियाज़ को बचाएंगे फ़ॉरेस्ट से तो उनको सेटल होने दिया जो बाकी लोग थे वो रीजन से चले गए तो जो लोग यहाँ पे सेटल हो गए दे कैम्प टू बी नून एज़ फॉरस्ट विजिज़ लेकिन इस मुसीबत के साथ साथ तो और एक मुसीबत थी जो जो आई जो जो फैमीनज़ यहाँ पर एटीन और 1900 के बीच में एक आया 1907 और 1908 के बीच में दूसरा आया इस वजह से इनकी लाइफ और ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई तो नाइनटीन के बाद या नाइनटीन से इन विज़ज़ज़ में इन फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के बीच में एक कनेक्शन सा क्रिएट हो गया वो कनेक्शन कैसे क्रिएट हो गया ये एक विलेज से दूसरे विलेज दूसरे विलेज से तीसरे विलेज इंफॉर्मेशन भेजते रहे इन्फॉर्मेशन भेजने लगे इन्फॉमेशन कैसे भेजते रहे मैंगो बफ्स के ज़रिए लफ ऑफ द अर्थ चिलीज़ नैरोज़ ये सर्कुलेट करते रहे विज़ के बीच में तो इसका मतलब ये हुआ था होता या इसका मतलब ये था कि सारे विजेज़ यूनाइट हो जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक रिवोल्ट करें तो रिवोल्ट की तैयारी हो रही थी तो ये रिवोल्ट आया 1910 में और शुरुआत हो गई इस बस्ता रिजन के एक विलेज से जिसका नाम था जिसका नाम था केंगर फॉरेस्ट और यहाँ से दुरवाज जो ट्राइब एक थी दुरवाज उन्होंने शुरुआत की तो जब ये विलेज जब इस विलेज से रिवोल्ट हो गया तो ये रिवोल्ट ज्वाइन किया बाकी विलेजर्स ने भी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने अटैक किया वो लूटने लगे बाज़ार लूटने लगे फॉरेस्ट ऑफिशर्स के घर लूटने लगे ट्रेडर्स के घर लूटने लगे स्कूल्स, पुलिस स्टेशनस तो इन्होंने इन सब चीज़ों को कभी जलाया कुछ लोगों को लूटा कहीं पे इन्होंने ये जो ग्रेन था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में तो जो भी इन्हें लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट है उसके घर को उसकी प्रॉपर्टी को इन्होंने अटैक किया तो ऐसा लग रहा था कि ये रिवोल्ट जल्दी ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से ख़त्म करेगा लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा कि 1857 रिवोल्ट में हुआ वो चुप रहने वाले नहीं थे तो उन्होंने क्या किया वो अपने आर्मी भेजने लगे उन्होंने अपनी आर्मी जब भेजी तो आर्मी ने क्या किया इन सब जो भी रिवोल्ट कर रहे थे इन के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे फोर्सेस भेजे तो उन आर्मी ने क्या किया तमाम जो भी पार्टिसिपेंट्स थे इन रिव, इस रिवोल्ट में इन 1910 में जो बस्ता रीजन में रिवोल्ट आया इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स थे जो भी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उन सबको या तो पकड़ा गया या फिर मारा गया विलेज़ को जला दिया गया उनकी प्रॉपर्टी को तबाह किया गया कुछ लोग जो भागने में कामयाब हो गए वो जंगलों में चले गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को करीबन तीन महीने लगे इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में यानी फेबरवरी से लेकर मई तक इनको तीन महीने लगे वापस इस रीजन को इस बस्ता रीजन को कंट्रोल करने में लेकिन फिर भी ये इस रिवोल्ट का जो लीडर था जिसका नाम था गुंदा धुर उसको वो पकड़ नहीं पाए तो बाद में जो रिज़र्वेशन पॉलिसी बनाई थी 1905 में उसको कुछ देर के लिए सस्पेंड किया गया और बाद में 1910 में ही तो कुछ टाइम के बाद जो रिज़र्वेशन थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाफ़ कर दी यानी हाफ़ ऑफ़ दीज फॉरेस्ट वर रिज़र्व फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकिन ये जो स्टोरी है बस्तार के विलेज या हम कहेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ये एंड नहीं हुई इंडिपेंडेंस के बाद भी इन बेचारों को मुसीबत झेलनी पड़ी क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इन फॉरेस्ट को जो वस्ता रीजन में फ़ारेस्ट थे उनको रिज़र्व रख दिया इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए मतलब इन लोगों को अभी भी अपनी वो ज़मीन अपने वो फॉरेस्ट नहीं मिले जो इनके पास हुआ करती थी सो इन द नाइनटीन द वर्ल्ड बैंक प्रपोज डेट फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड क्टियरस ऑफ नेचुरल साल्ट फारेस्ट शुड बी रिप्लेसड बाई द ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री इट वॉज ऑनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाई लोकल इन्वायरमेंटलिस्टस दैट द प्रोजेक्ट वॉज स्टॉपड तो वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें इंटरफेयर किया और फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हैक्टीयर्स की जो नेचुरल लैंड थी उसको रिजर्व रख दिया ताकि वहाँ से पेपर निकाल सकें साल्ट्री के बदले में वहाँ पर पे पेपर निकाला जाए तो नतीजा क्या हुआ इन जो बस्तर की जो विलेज कम्यूनिटीज़ थी या ट्राइबल कम्यूनिटीज़ थी उनकी लाइफ सेटल वाइस ही है तो दे आर सिटल फेसिंग द प्रॉब्लम इन दिस रीजन तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया किस तरह से बस्तार के लोग जो विलेज फॉरेस्ट या जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे जिनकी लाइफ इस पर डिपेंड थी उसकी लाइफ पे कैसे इम्पेक्ट पड़ा ब्रिटिश पॉलिसीज़ का तो रिज़र्वेशन की रिजर्वेशन जो रिज़र्व फॉरेस्ट बनाए गए इस एरिया में उसकी वजह से कितने लोगों को अपना जो अपनी जो ज़मीन थी अपनी जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे जहाँ पे वो रहते थे वो छोड़ने पड़े और दूर इलाकों में चले गए ख़ास तौर तो पर सिटीज़ में चले गए मजदूरी करने लगे कुछ लोग जो वहाँ पर रहने लगे उन लोगों को मुफ्त में काम करना पड़ा तो इंडिपेंडेंस के बाद भी कोई खास चेंज नज़र नहीं आई दे आर सिटल फेसिंग द प्रॉब्लमस सो दिस वॉज़ द रिवोल्ट ऑफ नाइनटीन हंड्रेड टेन इन द बस्ता रीजन ऑफ छत्तीसगढ़